नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ निकिता और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं चना दाल की चटनी। ये चटनी डोसा के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, जो कि ये चटनी चना दाल से बनने वाली है। तो सरसों के तेल का स्वाद बहुत ही मज़े का आता है, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है करीबन 4 बड़े चम्मच। और इसमें मैंने एक कटोरी चना का दाल भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा के लिए, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। अब इसमें हम चना दाल डालेंगे और इसे काफ़ी देर तक हमें भुनना है मीडियम आंच पे। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो चना दाल जल्दी से बर्न हो जाएंगे और उसका रोस्टेड फ्लेवर नहीं आएगा। सो हमें इसे सरसों के तेल में अच्छे से रोस्ट करना है, जिससे चना दाल जो है वो अच्छे से हल्का सा कुक भी हो जाए और साथ ही साथ एक अच्छा सा फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और चना दाल का कलर जो है वो थोड़ा सा पिंकिश में हो जाएगा। तब आपका चना दाल जो है वो अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हुआ है। इसे रोस्ट करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, बट ये चटनी बड़े ही कमाल की बनके तैयार होती है। सो इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है काफ़ी टाइम तक और इसमें सिर्फ सरसों का तेल और चना दाल ही है, दैट्स इट। ये चटनी बहुत ही सिंपल है और खाने में उतना ही शानदार है। अगर आप साउथ इंडियन बना रहे हैं तो ये चटनी ज़रूर बनाएं। ये चटनी आप अप्पे के साथ खा सकते हैं, डोसा के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं और जितने भी साउथ इंडियन फूड्स होते हैं उसके साथ भी। उसके बाद ये चना दाल में हम पानी डालेंगे और फिर से आधा घंटा के लिए सोक करके रख देंगे, सो दैट जो रोस्टेड चना दाल है उसको थोड़ा सा फूलने का मौका मिले। और चना दाल तो गर्म ही रहता है तो पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। उसके बाद इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे चना दाल, और इसी सेम पानी को थोड़ा सा यूज़ करेंगे ग्राइंड करने के लिए। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इसी तरीके से सारे चना दाल को पीस के हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये चटनी बनके तैयार है। अब इसको देना है तड़का। तड़का का ही मेन कमाल है इसमें। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है तड़के वाला पैन और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जैसे मैंने आपको बताया, चना दाल है और सरसों का तेल का फ्लेवर बड़ा ही कमाल का आता है, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया। जैसे ये तेल गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे सरसों, क्योंकि सरसों से जो फ्लेवर आता है वो राई से नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। और गाइस, आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, करी लीव्स, लेकिन अभी लॉकडाउन है और मेरे घर पे जो करी लीव्स का पेड़ है वो थोड़ा सा ड्राई है और बहुत ही छोटे छोटे लीव्स है, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं। करी लीव्स से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप बहुत सारी करी लीव्स भी डाल सकते हैं। और उसके साथ हम सूखा मिर्चा डालेंगे। जैसे ही वो लाल हो जाए हम इसे इस चटनी में डाल देंगे और आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है। मैजिक तो तब होगा जब ये मिक्स हो जाएगा प्रॉपर। सो इसे हम प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे गाइस और इसे गर्मा गर्म डोसा या इडली के साथ सर्व करेंगे और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। गाइस, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।